और बड़ी कंसर्न की बात है, इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में जो कही कि जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी आलमी साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। अच्छा, आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब ने खत को ऐसे ऐसे किया मगर पढ़ के नहीं सुनाया, ना ही बताया कि किसने लिखा है और कहां से आया है और उसमें क्या लिखा है। सवाल ये है कि एक साजिश है। कायर साहब, क्या ये बैन अल-अक़वामी ताकतें जो हैं पाकिस्तान का रजीम चेंज करना इतना अहम समझती हैं? इमरान खान साहब का कितना कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है कि वो समझते हैं कि अगर इनको हमने ना हटाया तो शायद हमारे लिए ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है? वैसे इमरान खान साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अफराद तो क्या इदारों तक को भी अपने बारे में बेवकूफ बना लिया। वो लेटर निकाल करके दिखाया और कहा मेरे पाकिस्तानी ये इंटरनेशनल कुवतें जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। अच्छा, आप इतने महान लीडर हो गए कि इंटरनेशनल कुवतों को, आपको तो अपने वाले नहीं पूछ रहे, बाहर वाले आपको कद्दू घास डालेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 31 मार्च से शुरू होगी और वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को कराई जा सकती है। माना जा रहा है कि चीन के लिए पीएम इमरान खान अब सरदर्द बन चुके हैं क्योंकि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ख्वाब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुर्सी की कुश्ती का असली रिंग मास्टर चीन ही है क्योंकि इमरान राज में शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट न सिर्फ ठप हो गया है बल्कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही चीनी कंपनियों के अरबों डॉलर का भुगतान पाकिस्तान सरकार नहीं कर रही है। कुर्सी के इस खेल में मामला सिर्फ पैसे का ही नहीं है बल्कि नीयत का भी है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के जरिए अमेरिका को यह संदेश भेजा था कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका सीपैक जैसी कोई बड़ी डील दे दे तो वो चीन के साथ सीपैक को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और ये बात चीन तक पहुंच गई और फिर इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इमरान खान ये भूल गए थे कि सीपैक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें अड़चन की कीमत उन्हें कुर्सी देकर चुकानी पड़ेगी। वैसे इमरान खान साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अफराद तो क्या इदारों तक को भी अपने बारे में बेवकूफ़ बना लिया और इस वक्त वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जैसे अमरीकी भी बड़े बेवकूफ़ है। मतलब पहले तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि अमरीका को माशी तौर पर तरक्याता और खुशहाल पाकिस्तान चाहिए या कि बहरानों का शिकार एक मोहताज पाकिस्तान। अब हर कोई जानता है कि अमेरिका को एक कमजोर पाकिस्तान चाहिए, मोहताज पाकिस्तान चाहिए। अब हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब ने उसे मल्टीनेशनल कंपनी के जो साबिक मुलाजिम थे असद उमर और आईएमएफ के कारिंदे रजा बाकर जो मिस्र में अमरीकियों की और आईएमएफ की बहुत बड़ी खदमत कर चुके थे, इन दोनों के जरिए पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह किया। खुद इमरान खान साहब के जो मौजूदा वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, वो वजीर बनने के बाद ये गवाही दे चुके हैं कि आईएमएफ के साथ नहायत नामुनासिब शराइत पर मुआहदा किया गया। इसी तरह चीन नहीं चाहता था कि सीपेक के मामलात आईएमएफ और उसके जरिए अमेरिका तक पहुंचे, लेकिन आईएमएफ के कंट्री डायरेक्टर ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान की हुकूमत ने सीपेक के सारे मंसूबों की तफसीलात उसके साथ शेयर कर ली। अब उनकी हुकूमत में जीडीपी धड़ाम से जमीन पर आ गया है, महंगाई में होशरबा इजाफा हुआ है, आईएमएफ और अमेरिका के कहने पर डिक्टेटेड कानून साजी हुई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशी मुहार मुकम्मल तौर पर आईएमएफ के जरिए अमेरिका के हाथ में चला गया है। यूं आप अगर देखें तो जितनी खिदमत इमरान खान ने अमेरिका की उतनी किसी और हुक्मरान ने नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई अमरीका मेरी हुकूमत को हटाना चाहते हैं, तो अब क्या अमरीका का दिमाग खराब है कि वो इमरान खान को इख्तदार से निकलवाने की साजिश करे? अमरीका नहीं चाहता था कि सीपेक का प्रोजेक्ट उस स्पीड से आगे बढ़े जिस तरह के पाकिस्तान और चीन ने सोचा था। इमरान खान ने माशाल्लाह सीपेक का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके उजरा ने सीपेक की डील और माहिदों के खिलाफ बयान दिए। इमरान खान की हुकूमत ने अपनी हरकतों से चीन को इतना नाराज किया है कि 2.5 साल होने के बावजूद चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। फिर पाकिस्तानी फौज ने कोशिश की कि इमरान खान चीन का दौरा करे, लेकिन चीन ने उन्हें भी दो तरफा या बायलेटरल दौरे की दावत नहीं दी। इमरान खान की हुकूमत से चीनी हुकूमत इतनी नाला है कि वो इस मौका पे जीसीसी का इजलास मुनक्कद कराने पे आमादा नहीं हुई। अब चीन के मामले में अमेरिका की इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है जो इमरान खान साहब ने की? तो फिर
क्या इमरान खान साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका का दिमाग खराब है कि वो उस इमरान खान को इख्तदार से निकलवाने की साजिश करे? तार साहब, क्या ये बैनुल अक्वामी ताकतें जो है पाकिस्तान का रजीम चेंज करना इतना अहम समझती है? इमरान खान साहब का कितना कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है कि वो समझते हैं कि अगर इनको हमने ना हटाया तो शायद हमारे लिए ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो रिटर्न भेजती हैं आपको धमकियां जो है। मैं तो एक इस पे कंफ्यूज हूं सबसे पहले कि वो कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि जिनको इतनी डम है वो ताकत कि जिसने रिटर्न लिख के भेज दिया है कि खान साहब ये चिट्ठी जेब में डाल के रखे और इस पे अगला इलेक्शन जीते हैं। यहाँ पे ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है अपना शेख रशीद साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई इलम नहीं था। ये इतनी बड़ी थ्रेट है कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर को ही नहीं पता कि थ्रेट आ चुकी है और 2 महीने से आ चुकी है। मेरे ख्याल में तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ दिन पहले सिग्नल आया था कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन और उसको मेरे ख्याल है खान साहब ने उस पर अमल किया है और ऐसा कोई ब्लंडर पब्लिक में नहीं किया ऐसा कि जिसपे इदारे भी शर्मिंदा होते और खान साहब तो खैर वैसे ही असीयत कोई नहीं है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब मुल्की सलामती और दूसरी चीजें आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल पता है। वो आपसे आगे डिस्कस नहीं करते, आपकी फजाई हदूद भी डिस्कस नहीं करते और जितने ज्यादातर मामला थे अफगानिस्तान में वो भी आपसे डिस्कस नहीं किए जाते थे मेरा मकसद हिस्ट्री में। तो ये आपने जो एक खाली लफाफा जो है हवा में लहराया है, आज बहुत से लोग मेरे साथ ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि वो एक खाली लफाफा ही था। इन्होंने बल्कि मायूस किया है लोगों को। अब ये और इसी मायूसी की बेस पर लोग ये कह रहे हैं ये पीटीआई का आखिरी जलसा था। तो ये किस किस्म की थ्रेट है पाकिस्तान की रियासत को कि रियासत के जो लीडर्स हैं और सरबरा हैं उनको आप बता ही नहीं रहे कि थ्रेट किस किस्म की। तो फिर 2-3 सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये है कि ये सरासर झूठ है, ये ड्रामाबाजी। दूसरा ये है कि ये थ्रेट नहीं है, इसको बनाया गया थ्रेट। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज्यादती की है खान साहब ने हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी पार्लियामेंट के साथ, हम सब के साथ इस किस्म की झूठ बोला उन्होंने और ये अब एक्सपोज हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सो कॉल्ड खत है ना, ये अब आएगा, लीक होगा। ये देखिए, अगर कोई बाहर की रियासत आपको कुछ लिखती है तो वो खत है, वो एक कम्युनिकेशन है, वो एक फॉर्मल रिकॉर्ड है उसका। अगर कोई धमकी वमकी जब कोई देता है ना तो वो अनऑफिशियली मिलती है आपस में बैठ के, जैसे मुशर्रफ साहब के ज़माने में वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कहा था यू आर आइदर विद अस, पर ये लिखत पढ़त में नहीं आती ये चीज़ें डिप्लोमेसी में। कानून के जरिए थ्रेट होती है बिकॉज वो पार्लियामेंट का सिलसिला है या 1-on-1 पे, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, ये वो जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता ठीक है, ये थ्रेट आई है। अब यहाँ ये कह रहे हैं इनको थ्रेट आई है, अब वो थ्रेट किसी फॉरेन मुल्क ने तो नहीं दी। वो एक लेटर, वो एक मशकूक लेटर जिसके कंटेंट्स का किसी को पता है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। वो लेटर निकाल करके दिखाया और कहा मेरे पाकिस्तानी ये इंटरनेशनल कुवतें जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। अच्छा, आप इतने महान लीडर हो गए कि इंटरनेशनल कुवतों को, आपको तो अपने वाले नहीं पूछ रहे, बाहर वाले आपको कद्दूकस डालेंगे। जो बाइडेन आपको फोन नहीं कर रहा, मोदी ने आपका टेलीफोन नहीं उठाया, अल्लाह की पनाह, तौबा, इस्तग़फ़ार, माज़ अल्लाह, किसे पता था कि रूए जमीन पर आपकी हुकूमत भी एक दिन कायम होगी। लेकिन बहरहाल